serve, use and authorize ourselves. It is our entitlement which is given to us. Who are we? The Muslims of India are the people who have sacrificed the most. Our forefathers, thinking that in Pakistan they will be able to have some kind of a life better than India, left. But your father, your grandfather decided that they will stay back here because they believed in India. They believed in the Indian leadership. They believed their Hindu brethren. They believed their neighbors. They believed the country. They believed things have been claiming that we have been doing this, we have been doing that to the Muslims, to the minorities. What the hell did they do for us? They only got a bad name from another section of the community. We don't need anything from the government. Let us live peacefully. Let them allow us to live peacefully. Whatever right you have given to other sections of the community and other religious group, you give to us enough. We don't need anything more. और हर साल की तरह लास्ट ईयर इनिशिएट हुआ था, तो इस साल भी जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से एक अच्छे पैमाने पे, एक अजीम पैमाने पे फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे कई बुज़ुर्ग मौजूद थे, हमारे ट्रस्टीज मौजूद थे और कई हमारे जो मुसल्लीज भी. मैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से और मेरे ज़ाती तौर पर भी मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि यूनिटी. मुल्क के हालात देखते हुए, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हालात देखते हुए, इट्स हाई टाइम, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को यूनाइट होना. ट्रस्ट बोर्ड का एक डिसीजन हुआ है तमाम ट्रस्टीज की जानिब से, जो हालात मद्देनजर रखते हुए, जो पैंडमिक के दौरान कई लोग अपने पैसे भर जमा नहीं सके, जमे पैसे खर्च कर चुके हैं और स्कैम में हमारे लोग पैसे लगा के उसमें भी अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं और बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ बिन भी आ रह गई हैं. तो हमारे ट्रस्टीज़ की तरफ से ये डिसीजन हुआ है कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से 150 सोशल मैरिजेस की रिस्पांसिबिलिटी ली गई है और 150 सोशल मैरिजेस हम लोग जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से करेंगे. और इसमें जो भी फंड है, जुमा मस्जिद का फंड्स नहीं होगा. हम लोग कई लोग हमें आगे बढ़ के स्पॉन्सर्स कर चुके हैं और स्पॉन्सर से हमारी बातचीत हो रही है, तो इन तमाम फंड्स को जमा करके हम लोग इस बात को याद करने के लिए जमा होते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने में हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे बाप दादा का जो खून पसीना लगा है, जो कुर्बानियाँ लगी हैं, उस कुर्बानियों को एक तरफ याद करें और दूसरी तरफ ये ज़िम्मेदारी को भी समझें कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए जो खून लगाया है और हमारी आज ज़िम्मेदारी क्या होगी कि इसके लिए मेहनत लगाएं. देश तो आज़ाद करने में हमारे बड़ों का हाथ था, लेकिन इस देश की तरक्की में हमारा कितना हाथ रहेगा और कितना साथ रहेगा, इसको हम लोग को समझना है और हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है.